अपना तो सिंपल रसूल है अंकल, मरना है तो कर्ज लेकर। सर ये देखिए, ये नई डिफॉल्टर लिस्ट है, ये वो लोग हैं जिनकी पेमेंट 6 महीने या उससे ज्यादा दिन से नहीं आई है। What do you say? I think we should send them legal notices. कान अरे बाबा के चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों आज के जमाने में हर कोई चाहता है कि मेरे वॉलेट में कम से कम एक या 2 क्रेडिट कार्ड होने चाहिए। इतनी आसानी से हम काफी सारे चीजें कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड जितना खूबसूरत दिखता है उतना वो है नहीं, काफी सारे लोगों को उसने बर्बाद किया है। तो ये वीडियो मैंने बनाना जरूरी समझा कि अगर आप एक कार्ड लेने वाले हो तो कार्ड लेने से पहले ये वीडियो को जरूर देख लो और आपको कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, इस वीडियो के जरिए मैं किसी को भी जो है ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप कितने गलत हो, मैं कितना सही हूँ, ये बात ऐसी नहीं है। ये टोटली मेरी एक्सपीरियंस के बेस पे ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को उसका पूरा पूरा बेनिफिट मिले। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो की शुरुआत अभी हम करने वाले हैं। तो दोस्तों पहली कैटेगरी के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज अवॉइड करो क्रेडिट कार्ड लेना अगर आपकी जो इनकम स्टेडी ना हो। इनकम स्टेडी ना होने का मतलब ये है, जनवरी में 5,000 आए, फरवरी में 10,000 आए और मार्च में कुछ नहीं आया, फिर अप्रैल में 2,000 आए, मतलब हर महीने आपकी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं कि इतना पैसा आने ही वाला है। क्योंकि जब आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वाले हो, बैंक भी आपकी जो है स्टेटमेंट देखेगी कि भाई ये बंदा जो है कमाता कितना है। हर 6 महीने में जो भी आपका लास्ट 6 महीने का जो भी रिकॉर्ड था बैंक चेक करेगी कि हाँ चलो मिनिमम 15,000 तो ये बंदा कमा ही लेता है, तो उसे एटलीस्ट एक छोटे लिमिट का कार्ड दे दो। आज के हमारे सिस्टम इतने लूप होल्स है कि लोगों को आसानी से फॉर्म 16 मिल जाता है, ITR जो है लोग फाइल कर देते हैं ज़्यादा अमाउंट दिखा के। ऑफकोर्स टैक्स भरना पड़ता होगा मगर उन्हें कार्ड चाहिए, तो ये सारी जो है लूपोल्स है। कार्ड मिल जाता है, स्टडी इनकम नहीं होती है, कार्ड पे खर्च किए जाते हैं ये सोच के कि यार भर दूंगा और एक दिन ऐसा आता है कि आप कार्ड के चुंगल में बहुत बुरी तरह से फंस जाते हो। दोस्तों कुछ इस तरह, ऑल इंडिया बैंक 4.5 लाख का लोन, 6 महीना ओवरड्यू, गुड लक रिकवरी एजेंसी। तो प्लीज अगर आपकी जो इनकम है वो स्टडी नहीं है तो आपको फिलहाल के लिए कार्ड टोटली अवॉइड करना चाहिए। अब सेकंड कैटेगरी के लोग जिन्हें मैं कहूंगा कि कार्ड अवॉइड करो, वो ऐसे लोग हैं जो इम्पल्सिव बायर है। इम्पल्सिव मतलब बिना सोचे समझे ले लिया, आईफोन पसंद आया ले लिया, कैमरा पसंद आया ले लिया, टैब पसंद आया, आईपैड पसंद आया ले लिया, लैपटॉप ले लिया, एक्सपेंसिव हॉलीडे पे चले गए, ये सोच के बाद में क्या होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल तो खर्च करो और उसके मजे लो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। इसे कहते हैं इम्पल्सिव बायर या इम्पल्सिव थॉट प्रोसेस जिनका होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको तो कार्ड लेना ही नहीं चाहिए क्योंकि आप ये सोच के ले रहे हो कि मैं चलो ले लेते हैं, बाद में जो होगा देखा रहेगा, बाद में कुछ देखा नहीं रहेगा। बैंक घर पे आएगी, आपके पीछे पड़ जाएगी, रिकवरी एजेंसी आपके पीछे लगाई दी जाएगी, आपका स्कोर बुरी तरह से नीचे आ जाएगा। तो अगर आपका माइंड इम्पल्सिव है तो क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से अवॉइड कीजिएगा। दोस्तों तीसरे कैटेगरी के लोग ना कुछ इस तरह के होते हैं, ये क्लिप देखिएगा। ये लीजिए आपके 9,800 रुपए और 700 रुपए बैंक के चार्जेस और आपका पता है। तो बैंक को तो चुकाना पड़ेगा ना। अपना तो सिंपल रसूल है अंकल, मरना है तो कर्ज लेकर। देखा आपने, बंदे ने काफी स्मार्ट तरीके से अपना क्रेडिट कार्ड एक ज्वेलरी शॉप पे स्वाइप किया, वहां से पैसे निकाले, बंदे को अपना कुछ परसेंटेज दे दिया। अगर वो यही पैसे बैंक के ATM से जाकर निकालता तो उसे कैश एडवांस फी इंटरेस्ट ना जाने क्या क्या भरना पड़ता। फिर भी ये सही प्रैक्टिस नहीं है। ये बंदा जो है दोस्तों एक जमाने में मैं हुआ करता था, यानी हमेशा नहीं एक बार मुझसे ही हुआ था। 2007 में मैं गोवा गया था अपनी फैमिली के साथ, कुछ कैश कम गिरा था मुझे वहाँ पे। वो टाइम में कार्ड का एक्सेप्टेंस इतना ज़्यादा नहीं था, जो स्वाइप करते हैं POS मशीन ज़्यादा नहीं थे, मुझे कैश चाहिए था। मैं एक दुकान पे गया, हालांकि मुझे 5,000 मैक्सिमम जरूरत थे, मैंने 20,000 रुपीज़ बेवकूफ़ी करके स्वाइप किया, 2,000 रुपये चार्जेस एक्स्ट्रा भरे, यानी 22,000 रुपये उस बंदे को भरा। वो दिन था और बाद के दिन थे, मैं कभी उस चुंगल से नहीं निकल पाया। उस कार्ड पे इंटरेस्ट बढ़ता गया, 20 का 40, 40 का 60 और ऐसे करते करते वो 80,000 के आसपास चला गया। उस कार्ड की मुझे सेटलमेंट करनी पड़ी। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि कार्ड लेके मैं यहाँ वहाँ से स्वाइप करके कैश निकालूंगा, तो प्लीज़ आपको क्रेडिट कार्ड से तो कोसों दूर रहना चाहिए। चौथा कैटेगरी है स्टूडेंट का, इन्हें भी क्रेडिट कार्ड अवॉइड करना चाहिए। मैं आपसे जल्दी से बता देता हूँ क्यों। स्टूडेंट का काम है पढ़ना लिखना और अपने करियर पे फोकस करना,
स्टूडेंट को पैसा मिलता है अपने माँ बाप की तरफ से, एक पॉकेट मनी मिलती है, एटलीस्ट मिडिल क्लास जो काफ़ी ज़्यादा है हमारे देश में। तो दोस्तों जब आपको बेसिक पॉकेट मनी मिलती है 1000-2000 मंथली, तो आपको अपने जो पेट्रोल के एक्सपेंसेस है, आपके कैंटीन के एक्सपेंसेस है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना है, मूवी देखना है, वो सारा मैनेज करना पड़ता। क्रेडिट कार्ड आपके हाथ लग गया, जैसे कि एक ज़माने में स्लाइस और जुपिटर, लास्ट ईयर की बात है, ज़माने की बात नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया, क्योंकि लेफ्ट राइट सेंटर क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे थे स्टूडेंट को। स्टूडेंट अपने लिमिट के बाहर जाके 10,000-15,000 स्पेंड करते हैं, आप स्मार्टफोन ले रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, और बैंक घर पे जाके इन्हें जो है भला बुरा कह रहा है, माँ बाप के साथ झगड़े हो रहे थे, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग हो रही थी, काफ़ी बुरी बुरी चीज़ें हो रही थी। तो दोस्तों दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। एज अ स्टूडेंट आपका काम है पढ़ो लिखो, एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक स्टेबल जॉब मिल जाएगी, भाई आपका भी जो है टाइम आएगा, आपको भी कार्ड मिलेगा, तभी आप अपने कार्ड को स्वाइप करो, क्योंकि आपका अच्छी खासी सैलरी होगी टू रीपे। तो एज अ स्टूडेंट प्लीज अवॉइड टेकिंग अ क्रेडिट कार्ड। पांचवी कैटेगरी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों कुछ लोगों का जो है ना, मैंने एक सर्वे किया था, तो लोगों का मानना है कि भाई क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू भरो और चलते रहो। ये सोच बिल्कुल गलत है, इसमें से आप कभी निकल नहीं पाओगे अगर आपने सिर्फ मिनिमम ड्यू भरते रहे, क्योंकि आप स्वाइप कर रहे हो मिनिमम भरे हो, स्वाइप कर रहे हो मिनिमम भरे हो, आप निकलोगे ही नहीं। अगर आपकी ताकत है कि आपने जितना स्वाइप किया आप उतना ही भर पाओ, और उस पर जो है पूरा आपने पेमेंट कर दिया, कुछ भी बैंक को आपने एक्स्ट्रा जो है नहीं भरा इंटरेस्ट के फॉर्म में, देन अ क्रेडिट कार्ड इज गुड। मिनिमम ड्यू का माइंडसेट लेके चल रहे हो तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड कभी भी है ही नहीं, तो क्रेडिट कार्ड लाइफ में आप अप्लाई करना ही मत। सिक्स कैटेगरी उन लोगों की है जो ऑलरेडी कर्ज में है, जिनके ऊपर होम लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के ड्यूज ऑलरेडी है, वो सोच रहे और एक कार्ड या लोन ले लेता हूँ, वो लोन से मैं ये लोन भर देता हूँ। तो बॉस ये विशेष सर्कल में से आप निकलोगे नहीं, आपको बैंक पहली बार लोन देगा ही नहीं, बिकॉज ऑलरेडी आपकी जो है रिपोर्टिंग हो चुकी होगी। अगर मान लो मिल भी जाए तो फिर भी ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपके ऊपर ऑलरेडी एक लोन या क्रेडिट कार्ड के कुछ पेमेंट ड्यू हैं और आप कर्ज में हो, तो प्लीज़ धीरे धीरे वो कर्ज जो है आपको फेरना होगा, उससे बाहर निकलो, और कसम खाओ इसके बाद मैं क्रेडिट कार्ड या लोन नहीं लूँगा जब तक मुझे ये यूज़ करना जो है ढंग से नहीं आता है। तो प्लीज़ ऑलरेडी इन डेट, प्लीज़ डोंट टेक एनी लोन और एनी क्रेडिट कार्ड। अब बात करते हैं हमारी सातवीं ऑडियंस के बारे में, जो बहुत दिलचस्प है, और ये एक्चुअली हुआ था मेरे दोस्त के साथ, ये इतना ही रियलिस्टिक है जितना वो मैंने आपको बताया था ना, बंदे ने अभी कार्ड पे स्वाइप वाइप करके पैसे निकाले, कुछ ऐसा। 2008 में मुझे कार्ड मिलना बंद हो गया था, क्योंकि मैंने कुछ कांड किए थे, तो बैंक ने मुझे कार्ड देने बंद कर दिए, मेरे पास कार्ड नहीं था। उस वक्त मेरे दोस्त को क्रेडिट कार्ड मिला और मैंने उसे समझाया भाई कैसे कार्ड यूज़ करना है, फिर भी उसने वही जो है गलती की जो मैंने की, और वही बुरी तरह से फंस गया। अब गलती क्या थी, When you spend your credit card money in anticipation, anticipation मतलब कि एक दिन वो पैसा आ जाएगा, अगले महीने पैसा आ जाएगा। कोई आपसे कहता हो कि अगले महीने में आपको मैं काम देने वाला हूँ और उसका जो है आपको 10,000 देने वाला हूँ, काम आया नहीं, काम हुआ नहीं, आपको पैसे मिले नहीं, मगर ये सोच में कि काम आने वाला है, आपने कार्ड पर 10,000 रुपये स्वाइप कर दिए। फिर कोई आपसे कहेगा 20,000 का काम दे रहा हूँ, फिर आपने 20,000 स्वाइप कर दिए। इसे हम कहते हैं स्पेंडिंग इन एंटिसिपेशन। तो ये गलती कभी मत करना दोस्तों, कि ये सोच के पैसा आ जाएगा, भर दूंगा, वहाँ से आने वाला है, वो देने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपके बैंक में 10,000 रुपये है तो कार्ड पे उस महीने सिर्फ 2,000 या 3,000 रुपये खर्च करो, क्योंकि आपको कैश और चीज़ों के लिए भी लग सकता है। दूसरे महीने जब बिल आएगा तो आप उसे फुल में भर सकते हो। ये कभी सोचना ही नहीं कि पैसा आने वाला है, चलो अभी मैं खर्च करके बैठ जाता हूँ, और वो पैसा कभी आता नहीं, बिल ज़रूर आता है, और फिर आप सर के ऊपर हाथ रख के बैठ जाते हो कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो प्लीज़ अगर आप एंटीसिपेशन में खर्च करने वालों में से हो, तो प्लीज़ अवॉइड यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड। दोस्तों एक मज़ेदार क्लिप प्ले करने वाला हूँ, जरूर देखो, आपको मज़ा आने वाला है। सुबह से लेकर रात तक तुम लोगों को फोन करते हो, लोन लो, लोन लो, लोन लो, और जिसका रॉन्ग नंबर लगता है ना उसको भी ये लोग लोन चिपका देते हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई, ये लोग ICICI स्कीमें निकालते हैं, 24 घंटे में लोन, 1 घंटे में लोन, 5 मिनट में लोन, प्रसाद की तरह लोन बांटते हैं, समझ में नहीं आता, और ब्याज ऐसा बढ़ा देते हैं कि वो ब्याज भरने के लिए भी लोन देते हैं लोग। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, पहले प्रॉब्लम खड़ी करते हो और फिर लोन देके उसे सॉल्व करते हो। तो दोस्तों देखा आपने, बैंक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने बैठा है, वो देख रहा है कि एक गलती आप कर लो और कैसे निचोड़ के आपसे अपना सूद समेत पैसा वो निकाल दे। दोस्तों बैंक यहाँ पे जो है ना किसी के लिए फेवर करने के लिए नहीं बैठा है, उनका मेन मोटिवेशन है पैसा बनाना। चॉइस आपकी है, आप स्मार्ट बनो या तो फिर कुर्बानी का
बकरा बनो। तो क्या इसका मतलब ये है कि कुछ लोग या ये ऑडियंस जो देख रहा है या जो ऑडियंस इसमें फिट बैठ रहा है इस कैटेगरी में, वो कभी क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। आपको एक अच्छी और जबरदस्त टिप देता हूँ। अगर आपको लगता है आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना है, अपनी जर्नी आप स्टार्ट करो विद FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड, जो एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड होगा। आपको पता है कि आपका पैसा बैंक के पास लॉक है, तो आप कोई भी ऐसी गलती नहीं करोगे जिससे बैंक आपका पैसा हड़प ले और आपका पैसा जो है बैंक खा जाए। इससे आपको एक फाइनेंशियल जो है डिसिप्लिन आएगा आप में, आप क्रेडिट कार्ड को ठीक से वापरना सीख जाओगे। जब आपको लगता है कि हाँ भाई कार्ड मेरे लिए है, तो आप एक सिक्योर कार्ड से अनसिक्योर्ड कार्ड पे जाओ। अगर आपको लगता नहीं है मेरी बस की बात नहीं, तो आपको समझ जाएगा भाई मुझे एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। ठीक उसी तरह से जब बचपन में हम साइकिल चला रहे थे, लेफ्ट और राइट में पहिए होते थे साइकिल के, ताकि हम गिर ना जाए। फिर हमने थोड़ी सीख ली साइकिल, तो एक पहिया निकाल दिया, फिर और अच्छे से सीख ली तो दूसरा निकाल दिया, और फिर हमने पूरी तरह से बैलेंस करके साइकिल चलानी सीख ली। ठीक उसी तरह क्रेडिट कार्ड का भी फंडा होता है। तो ये एक आपको मैं नसीहत देना चाहता था दोस्तों कि EMI लिया है ना तो चुकाना पड़ेगा ना यार, EMI और क्रेडिट कार्ड का पैसा तो भरना ही पड़ेगा बॉस। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जो है सीखने को मिला, और आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करोगे। हम मिलेंगे जल्द एक दूसरे वीडियो में।